नमस्कार दोस्तों, सही राजनीति। इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति को कैसा होना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर डी के गिरी साहब, वे बताएंगे कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों, राजनीतिक दलों और जनता को अपनी नुमाइंदगी पेश करनी चाहिए और उनके अपने अपने क्या क्या अधिकार हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि हमारे देश में राजनेताओं, सरकार, राजनीतिक दलों और जनता को किस तरीके से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि देश आगे भी बढ़े और जनता को मान सम्मान के साथ जीवन जीने के सुअवसर प्राप्त हों। सही राजनीति के इस एपिसोड में आज का विषय है गठबंधन की राजनीति। हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते कमोबेश सभी राज्यों में क्षेत्रीय दल अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते रहे हैं और वर्तमान में भी कर रहे हैं, लेकिन अनैतिकता के आधार पर या अनैतिक तरीके से चुनाव पश्चात सरकार पे काबिज होने के लिए एक दूसरे को मदद करना ठीक नहीं है। क्या चुनाव से पहले ही गठबंधन होना सही रहेगा? हमारे देश में गठबंधन की राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता और वर्तमान समय में और आगे भी ये दौर जारी रहने वाला है। हम जानना चाहेंगे प्रोफेसर डी के गिरी से, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संविधान और राजनीति के खासे ज्ञाता हैं। वो बताएंगे कि भारत में गठबंधन की राजनीति किस तरह होना चाहिए। सर, हमारे यहाँ गठबंधन की सरकारें जो चलन में आई हैं, वो कब से आई हैं और गठबंधन करके उनका क्या बुरा हाल हुआ है, उस बारे में कुछ बताएं। गठबंधन के बारे में जो बताया आपने, ये दुनिया भर में पिछले 20-30 साल से ये चल रहा है गठबंधन। कारण जो स्थापित दल थे, शुरू से बड़े दल के हिसाब से चले आ रहे थे, उनका जनाधार कम हुआ, उसके चलते उनको दूसरे दल से गठबंधन करने के मजबूर होना पड़ा। तो ये दुनिया भर में देखी जाती है और सबसे पुराना लोकतांत्रिक दल है जर्मनी में, जिसको SPD कहते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और 1883 में बना था और 2 साल पुराना है कांग्रेस पार्टी से, जो 1885 में बना था। वो पार्टी भी 4 सीट उनका कम हुआ पिछले चुनाव में, और सबसे जो विरोधी बड़ा विरोधी दल था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके साथ गठबंधन किया। ये अजीबो गरीब की बात है कि जो जैसे ये मान लीजिए भारत में कांग्रेस और BJP का गठबंधन हो कहीं पे, तो इस तरह का। सो ये जर्मनी का अलग चुनावी प्रक्रिया है और व्यवस्था है, तो उसमें चल गया। तो हमारे देश में दो जो टक्कर में दो दल हैं, उसमें गठबंधन होना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन गठबंधन हमारे देश में भी हो रहा है। और जर्मनी में तो सबसे बड़ा यूरोपियन देश है वो, उसमें 8 करोड़ लोग हैं, और हमारे देश में देखिए ये सबसे बड़ा दुनिया में लोकतंत्र है, तो इसीलिए यहाँ पे गठबंधन होना भी जरूरी है। सर, UPA के पहले जो है VP सिंह के कार्यकाल में भी जो है गठबंधन हुआ, तो उन्होंने सबको जो है अलग अलग क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा करके जन मोर्चा बनाया था। हाँ जी, तो उसके बारे में कुछ बताएं, क्या वो नैतिक था? VP सिंह साहब कांग्रेस से हटने के बाद जन मोर्चा बनाया था और उसमें, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, फिर वो जनता पार्टी के साथ मिलकर फिर वो जनता दल बन गया और VP सिंह उसका पहला प्रधानमंत्री बने 1999 में। तो जन मोर्चा हाँ बनाया था वही किसी दल में जाने के लिए, और बार्गेनिंग के तौर पे उन्होंने बनाया था।
और ये सही था क्योंकि मोर्चा बनाना कोई बात नहीं, और वो लेकिन वो फिर वो मोर्चा जनता पार्टी में विलय हो गया और जनता दल बना और जनता दल चुनाव बन गया 1989 में। उसका फिर प्रधानमंत्री बने। गठबंधन जैसे हमने कहा गठबंधन जरूरी हो गया, लेकिन गठबंधन किस आधार पर बने, किस असूलों को लेकर बने, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका सिद्धांत क्या होगा, उसको तय करना। नहीं तो हम सुविधावादी अवसरवादी गठबंधन जो बनाते हैं, और जैसे आपने जिक्र किया था अपना जैसे आपने इंट्रोडक्शन दी कि भाई चुनाव के बाद जो गठबंधन होता है वो दूसरी सत्ता के लिए होता है, वो गठबंधन को मानना नहीं चाहिए। चुनावी इलेक्शन कमीशन को वो गठबंधन को नहीं मानना चाहिए। चुनाव से पहले जो कॉमन मैनिफेस्टो के साथ या जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बोलते हैं उसके आधार पर जो गठबंधन होता है उसको मानना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे देश में चुनाव हो तो चुनाव मैदान में दो ही गठबंधन जो है नजर आए या तीन गठबंधन आए जो भी हो वो एकदम क्लियर कट जो है अपना घोषणा पत्र संयुक्त रूप से दे और जनता जिसको मैंडेट दे और वो अपनी सरकार बनाए, ये कह रहे हैं। सही, वही सही तरीका है। और मान लीजिए गठबंधन में जैसे सांसद जब हट जाते हैं पार्टी से उनको एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, गठबंधन अगर चुनाव से पहले बना हो वो भी इलेक्शन कमीशन में दर्ज होना चाहिए। अगर कोई पार्टनर जो दूसरा दल में दूसरा गठबंधन में चला जाता है तो उसमें भी एंटी डिफेक्शन लॉ चालू होना चाहिए। मान लीजिए हमारे देश में तीन या चार गठबंधन बने और जनता ने किन्हीं को भी जो है पूर्ण बहुमत नहीं दिया, उस स्थिति में जो है क्या करना चाहिए? उस स्थिति में तो देखो सरकार अगर खंडित जनादेश है तो उसमें सरकार तो बना नहीं है, और जो इस गठबंधन को ज्यादा सीट्स मिले हैं उसको शायद राष्ट्रपति या राज्यपाल बुलाएंगे अगर प्रदेश में हो तो सरकार बनाने का प्रयास करने के लिए। उस वक्त मजबूरी से सरकार बनाने के लिए कि दूसरा चुनाव लोगों को पर ना थोप दिया जाए उसके लिए अलग से एक गठबंधन बहुमत के लिए बनाने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, इसका जिक्र कर रहा था जैसे गठबंधन अगर चुनाव के बाद आप छोड़ के जाते हैं फिर वो जनादेश का उसका अपमान होगा। बिहार में आपको याद होगा महागठबंधन बना था और नीतीश कुमार महागठबंधन से जीते मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीच में छोड़ के फिर वो चले गए एनडीए में बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाया, वो गलत है, वो जनादेश का अपमान है कि जनादेश को अपमान न करने वाली बात है, ये धोखा है। लोग किसी गठबंधन को दिए हैं वोट, आप जाके दूसरा आप गणित बना रहे हो, वो गलत है। नहीं, हम ये कह रहे हैं उन नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे जैसे स्वर्गीय रामविलास पासवान, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के रामदास अठावले, ठीक है, इस तरह के और नाम भी हैं जो चाहे जिसकी भी सरकार हो उसमें वो मंत्री पद जो है पा लेते हैं और उसमें घुस जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या होगा, एक सवाल। इसी में दूसरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि गठबंधन मजबूरी में सरकार चलाने के लिए किसी दूसरे को विचार मिलना जरूरी नहीं है लेकिन मजबूरी है इसलिए सरकार बनाने के लिए उनको लिया जाए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं हो सकता है? उसमें जो पहला सवाल आपका था जे स्वर्गीय रामविलास पासवान या अठावले साहब या कभी प्रकाश अम्बेडकर के भी नाम लिया जाता है उसमें, मजे की बात है कि अरुण शौरी जी ने मुझे याद है एक किताब लिखे थे अंग्रेजी में था और रामविलास पासवान के बारे में जो उन्होंने टिप्पणी किया था वो अंग्रेजी में कहा था एवर इन ऑफिस रामविलास पासवान, मतलब हमेशा मंत्री पद में रहना, जैसे हमने कहा कोई भी सरकार हो कोई भी गठबंधन हो रामविलास जी वहाँ पर मंत्री हैं, तो जिधर हवा है तब उधर ही उन्होंने छतरी कर दी, वो गलत है, वो सरासर अवसरवाद है, उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन रामविलास जी का एक अपना एक शक्ति था, उनका एक आधार था जो दलित सेना उन्होंने बनाया था, चार पाँच कम से कम छः सात एम एल ए ले आते हैं, दो चार एम पी ले आते हैं, उससे उनका सरकार बनाने में मदद होता है इसलिए लोग उन्हें ले लेते हैं, लेकिन उसमें सिद्धांत और प्रतिबद्धता और जिसको रॉयल्टी कहते हैं वो नहीं है। हमारे देश में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, उन विद्वानों को 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी भी इतनी समझ नहीं आई
कि कोई ऐसा फार्मूला निकालें कि अगर अलग अलग चार गठबंधन तीन गठबंधन चुनाव लड़ते हैं और किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो एक राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए और उसमें सभी दलों के योग्य लोगों को लिया जाए और जिसको ज्यादा बहुमत है उसका प्रधानमंत्री हो, तब तो मजबूरी खत्म हो जाएगी। तो चुनाव आयोग में क्या नाकाबिल लोग हैं कि इस चीज पे उनका ध्यान नहीं जाता है? ये एक विकल्प हो सकता है कि राष्ट्रीय सरकार बनाने का, अगर किसी को पूर्ण बहुमत का जनादेश नहीं मिला, ये हो सकता है। परंतु ये जो लोकतंत्र में एक माना जा रहा है कि एक सत्तारूढ़ पार्टी होना चाहिए, दल होना चाहिए, एक विरोधी दल होना चाहिए, तो जहाँ राष्ट्रीय सरकार बनेगा तो सब मिल के बनाएंगे, ये होता है। सभी कहते हैं कि मैं देशभक्त हूँ, युवाओं को रोजगार दूंगा, महिलाओं का सम्मान करूंगा, कृषि प्रधान देश है इसकी उन्नति करूंगा, औद्योगिक विकास करूंगा, सब सकारात्मक चीजों का वादा करते हैं। तो भाई जब सबका मकसद ही जो है देश को विश्व स्तर पर नंबर वन बनाना है तो वो उस पर क्यों नहीं चलते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं सभी का निहित स्वार्थ है और वो अपने स्वार्थ की खातिर ही ऐसा रास्ता नहीं अपनाते हैं, क्योंकि अगर कोई सकारात्मक रास्ता सुझा रहा है तो उसको राय के रूप में मानने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, राजनीति तो देखा जाए व्यवहारिक रूप में काफी लोग उसको बड़ा गंदी मानते हैं, और जयप्रकाश नारायण जी जो थे, जो इमरजेंसी के खिलाफ जो बड़ा आंदोलन लड़ा, वो कहते थे राजनीति एक दलदल है और लेकिन इसमें घुसना है और पैर को मिट्टी में ये करना है, फिर जाके धोना है, तब जाके राजनीति साफ होगा। तो ये गंदगी राजनीति में आते रहते हैं और उसको साफ करना नहीं। जयप्रकाश जी सर कहते थे, लेकिन अभी तक हमारे जो प्रबुद्ध राजनेता हैं उनके उनका बताया हुआ रास्ता समझ में नहीं आया। राजनीति साफ होने के बजाय और ज्यादा गंदी हो रही है, इसका मतलब हमारे राजनेता नकारा है। नहीं, इसमें सिराज साहब ऐसे नहीं कि राजनीति में सुधार नहीं हो रहा है, कि सफाई नहीं हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जैसे कोई एक गोपाल गांधी हैं, अभी गवर्नर भी थे बंगाल में और राष्ट्रपति के सचिव भी थे, साउथ अफ्रीका में अम्बेसडर थे और लंदन में वो कल्चर सेक्रेटरी थे। एक भाषण में वो कह रहे थे, वो बुद्धिजीवी माने जाते हैं, और मैं सुना कि भारत का राजनीति, भारत का संस्कृति गंगा के तरफ है, बहते जाता है, उसमें गंदगी भी आते हैं, गंदगी भी साफ होते चलता है, लेकिन वो बहते जाता है। तो इस तरह का भी उन्होंने तुलना किया था उन्होंने। तो राजनीति में होते रहते, पूरी दुनिया में होता है, ऐसे नहीं हमारे देश में ही है, लेकिन प्रयास ये रहना चाहिए कि जैसे विकृतियाँ आते हैं उसको सुधारना भी है, उसको संभालना है, जैसे गंदगी आती है उसको साफ करना है। ये तो खैर संसार का नियम है, किसी धर्म किसी ये में भी देख लीजिए, अच्छा और बुरा का हमेशा लड़ाई रहता है, शैतान और इंसान का लड़ाई रहता है, ठीक है, तो ये लड़ाई चलती ही रहेगा। लेकिन इंसान और शैतान का लड़ाई होता है अंधेरे और उजाले, कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो क्या हम लोगों को ये तर्क दे के ब्लैक एंड व्हाइट है अगर जिंदगी, तो हमें ब्लैक की तरफ ज्यादा जाना चाहिए कि व्हाइट की तरफ? आप बताइए। हकीकत तो ये कि रुझान लोगों का ब्लैक की तरफ जल्दी जाता है ना, और व्हाइट की तरफ करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उनको प्रेरणा देना होता है, उनको सिखाना होता है, उनका बताना होता है। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं आपके विशेष सर्कल है और एक वर्चुअल सर्कल है ना, पाप का अगर गुट है तो उसमें पुण्य का भी गुट बनाना है। ये तो खैर एक लेकिन सर जीत किसकी होती है और जीत किसकी होना चाहिए, पाप की कि पुण्य की? आखिर में तुरंत तो पाप की होती है, लेकिन आखिर में लड़ाई जो है पुण्यों की होती है। ये नियम नहीं तो संसार में तबाही हो जाता, पुण्यों का ही होना चाहिए, वो होती भी है, लेकिन संघर्ष थोड़ा लंबा होता है। तो खैर हम गठबंधन में आते हैं, जो गठबंधन की आपने बात कही थी और कोई गठबंधन बनाना चाह रहे हैं, तो मेरा सुझाव ये रहेगा, मैं लेता अध्ययन और अनुभव से, कि गठबंधन करना जरूरी है, छोटे छोटे पार्टियों को भी इकट्ठे होना चाहिए और एक सैद्धांतिक रूप में एक चार्टर बनाना चाहिए मोटे मोटे, और वो चार्टर को सब लोग माने, और हमारा देश में विविधता है, बहुलता है और विविधता भी है, तो लेकिन मूलतः जो सिद्धांत है उसको माने, बाकी अपना क्षेत्र जो मुद्दे हैं उनको अपने हिसाब से उसको निपटाएं।
तो वो चार्टर सब माने जो प्रिंसिपल्स होता है, जो असूल होता है, उसमें हर पार्टी को मानना चाहिए। एक दूसरी लड़ाई होती है कि लीडर कौन बनेगा, आप खुद कह रहे थे पार्टी या गुट का नेता कौन बनेगा। गुट में जितना मेंबर्स हैं एक इलेक्ट्रॉन कॉलेज बना लीजिए गुट में और पार्टियों को सब मेंबर दे दीजिए, अगर उनका MLA MP है तो वही लोग वोट देंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन कॉलेज मेम्बरान का बना दीजिए और एक सीक्रेट बैलेट कर दीजिए, गुप्त बैलेट कर दीजिए, उसमें जो जिसको बहुमत मिलेगा वही नेता बनेगा, तो वो आसान है। अब गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहा है, देखिए NDA को तो शायद टूट गया क्योंकि जो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का जो रवैया है तो वो तो विरोधी मुक्त भारत चाहते हैं और गुट मुक्त भारत भी शायद चाहते हैं, उनको मेजोरिटी है, उनको जरूरत भी है, लेकिन कांग्रेस में जिसको जरूरत है उसी लिए नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस सोचता है कि हम सबसे बड़े पार्टी है, हमारा ही नेता होना चाहिए और उनका नेता को बाकी लोग मानने के लिए तैयार नहीं। आप जानते हैं इस चीज़ को क्योंकि वो चुनाव हार गए और बाकी विरोधी गुट में देखें जैसे शरद पवार जैसे और शरद यादव खैर सुस्त हो गया, अभी शरद पवार अभी भी कर्मठ है और सक्रिय हैं, शरद पवार जैसे आदमी को मानना चाहिए सबसे सीनियर हैं और उनको सबसे ज़्यादा अनुभव है और जोड़ तोड़ का राजनीति में माहिर भी है, लेकिन उनको लोग नहीं मान। अच्छा, जोड़ तोड़ की राजनीति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही है क्या? ये देखिए सही दो, कोई चीज को सही बताना के लिए दो दृष्टिकोण है जरा सा। एक दृष्टिकोण है कि आपका नैतिकता से, संविधान से, आपका संस्कृति क्या कहता है, आपका भला बुरा का विचार क्या कहता है, जिसको हम मोरालिटी या नैतिकता कहते हैं, वो एक मापदंड है कोई चीज़ सही है कि नहीं देखने के लिए। दूसरा, राजनीति एक व्यवहारिक चीज है जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ पॉसिबल, जो संभावित है वही राजनीति है, ठीक है ना। उसमें अगर आप कोई असूल के लेके बैठ जाएं और कट्टरवाद उसमें नहीं चलता है, उसमें आपको एक समन्वय बना के चलना पड़ेगा, सही क्या है और व्यवहारिक क्या है। लेकिन ये जोड़ तोड़ में गठबंधन कहूँगा, जो जोड़ तोड़ लोगों का अपने कुछ अपने पार्टियों का काम गिनाए थे, औद्योगिक उन्नति, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, तो अगर जो सामूहिक हित में जो गठबंधन बनता है, जोड़ तोड़ होता है, तो वो सही है, लेकिन निहित स्वार्थ में जो बनता है वो दिख जाता है, वो सही नहीं है। जयपाल रेड्डी जी एक बहुत विद्वान राजनीतिज्ञ थे, आप जानते हैं आंध्र के, एक बार हमें कहते थे कि कैबिनेट मीटिंग में कुछ लोग अपने स्वार्थ को असूल या सिद्धांत बना के रखते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका स्वार्थ है, उन्होंने अंग्रेजी में एक बात कहा था, तो स्वार्थ को भी आप कहें कि यही असूल है वो भी नहीं चलेगा, कोई बेवकूफ नहीं है, हमारे देश में जनता भी बड़ा सतीर है, समझते इस चीज़ को, तो हमें ईमानदारी से अपना सही नियत रखते हुए हमें गठबंधन की तरफ जाना चाहिए और उसमें गिव एंड टेक कहते हैं, लेन देन मतलब विचार का चलता है, मैं आपको पार्टी के 5 बातें मानूं और मेरी पार्टी के 4 बातें माने, तब जाकर हम। सर, पार्टी की बातें मानना महत्वपूर्ण है कि राजहित और संवैधानिक व्यवस्था? जब गठबंधन होता है जिसे पास आ रहा, पार्टी तो लोगों का भलाई की बात करते हैं, कोई तो बुराई की बात नहीं करता है ना, सब अच्छी अच्छी बात करते हैं, तो पार्टी का बात मानने का अर्थ ही हुआ कि भाई वो देश का मानना, कि सारा पार्टी देश के लिए उन्मुख है और देश के लिए लोकार्पित है, सारा पार्टी देश के भलाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दूसरी बार केंद्र में सरकार जो बनी 2019 के चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर 303 सीटें मिल गई, तो उस माहौल में उन्होंने जो अपने दोस्त थे, साथी संगी थे गठबंधन के, उनको दुत्कारना शुरू कर दिया, इसको कैसे लेंगे? वही ये बड़ा बड़ा पेचीदा एक मुद्दा है, क्योंकि ये वही मैं बता रहा था, वाजपेयी जी को और मौजूदा जो बीजेपी सत्ताधारी बीजेपी का नेताओं को देख लीजिए, वाजपेयी जी का दिल बहुत बड़ा था, वो सबको साथ लेके चलते थे। आपको याद होगा अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं बेंगलोर में ममता बनर्जी, वो भी वाजपेयी जी के कैबिनेट में थे, उदाउ पोर्टफोलियो उनको के मंत्रालय नहीं मिला था लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला था, वाजपेयी जी यहाँ तक लोगों को साथ लेके चलते थे। लेकिन यहाँ पे जो अभी जो दो लोगों का दबदबा चलता है बीजेपी में, वो सारे को अलग कर रहे हैं, हमारे सिवा मतलब दो ही लोगों का चलता है, बाकी पार्टी को तो छोड़ दीजिए, अपना पार्टी के लोगों को जो बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर हैं बहुत अनुभवी हैं, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश का 2 बार बीजेपी का अध्यक्ष बने, उनका उनको भी किनारे कर दिया गया है ना, और एक बीजेपी का अध्यक्ष है जो
भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी सबको खुश रखने की दृष्टि रखते हुए गठबंधन को चलाते थे प्यार से सम्मान से, ठीक, लेकिन उससे देश आगे नहीं बढ़ सकता। मोदी जी की स्टाइल सही है, वो अपने हिसाब से जो काम करते हैं वही जो है राष्ट्र के लिए अच्छा है, इस पे क्या कहेंगे? ये बहस जो है ये बहस देश में नहीं बाहर भी चल रहा है। मैं आपको बाहर की तरफ ले जाऊं, लोग कहते हैं कि जो तानाशाह राजनीति है उसमें काम करना आसान है। और लोग मिसाल देते हैं चाइना का, चाइना में तो एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी, एक ही नेता, वो भी आजीवन नेता बन गए, है ना। कि अब कहते हैं चाइना देखो कितना बढ़ गया, उसका इकोनॉमी कितना पावरफुल हो गया, वो मिसाल देते हैं। लेकिन इसमें बहस यह है कि लोकतांत्रिक देश भी उतना प्रगति कर सकता है, ये गलत फहमी है। अमेरिका कभी तानाशाह नहीं रहा, जर्मनी कभी तानाशाह नहीं रहा, हिटलर से बात, लेकिन वो भी तो बड़ा जिस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं उस तरह से तानाशाही रवैया उनका दिखाई दे रहा है। विपक्ष अपनी ताकत कमजोर कर चुका है या विपक्ष में उतनी ताकत नहीं रही कि इनकी गलत नीतियों को घेरते हुए जनता में जन जागरण कराया जाए और इनको हटाया जाए। मोदी जी का जितने भी राजनीतिज्ञ हैं देश में और बाहर, सब लोग मोदी जी को अब कहने लगे कि ये या तो चाइना के ढांचा को ये अनुसरण कर रहे हैं या सिंगापुर का। सिंगापुर में बाकी, चाइना में तो एक ही पार्टी है, सिंगापुर में बाकी पार्टियां तो हैं लेकिन एक ही पार्टी का उसमें ये संभव है? संभव है नहीं, यहाँ इंडिया में प्रयास तो मुझे जो देखने को मिल रहा है शायद यही प्रयास है, लेकिन भारत में संभव नहीं है, भारत में वो संभव नहीं है। और मोदी जी अभी भी इंदिरा गांधी जितने पावरफुल थी इमरजेंसी के दौरान, वहाँ तक पावरफुल नहीं बने हैं। अगर बन भी जाए इंदिरा गांधी जी से तानाशाह को इमरजेंसी को हमारे भारतीय लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया और लोकतंत्र वापस ले आया, तो भारत यह जनता में और हमारे संस्कृति में समाज में इतना शक्ति है कि कोई भी तानाशाह है उसको निकाल बाहर कर सकते हैं। तो मोदी जी या कोई भी ये सपना ना देखे कि भारत में हम तानाशाह बन के चला सकते हैं, हमारे रूम रूम में हमारा लोकतंत्र बसा हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है भाई, हमारा विविधता है उसमें सबको मानना, सबको लेके चलना ही तो लोकतंत्र है ना। जो बांट मिल बांट के रहना, सबकी बात सुनना, सबको सम्मान करना, दूसरे को स्थान देना, यही है। सर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहते हैं नून रोटी खाएंगे मोदी को ही जिताएंगे, मतलब खाने को ना मिलेगा तो भी जिताएंगे, ऐसी स्थिति में वोट तो नहीं मिल रहे हैं तो कैसे पार पाएगी विपक्ष? इसमें वही स्लोगन है जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो है ना चाइना का, तो कहते हैं कि तुम्हें रोटी चाहिए आजादी चाहिए, तो लोग रोटी को ही पसंद करेंगे, अगर रोटी आपसे छीन लिया जाए आजादी किस बात की। लेकिन जो लोकतांत्रिक समाजवाद है या लोकतांत्रिक राजनीति है उसमें कहते हैं नहीं, आपको रोटी भी मिले आजादी भी मिले। सर एक तरह संभव है, तो भारत में ये चीज जो कह रहे हैं लोग, अभी एक अंग्रेजी में शब्द है पॉपुलिज्म करके, लोगों को अच्छी अच्छी बात कह के और लोगों को बरगला के फुजला के अब राज्य करना है, कोई दौर चल रहा है भारत में ही, बाहर भी चल रहा है, दुनिया में चल रहा है। और दौर तो बदलता है, ये बदल जाएगा और जल्दी ही बदलेगा, लोग चीज को समझ जाएंगे और अपना अधिकार और अपना प्रभुसत्ता जो लोकतंत्र में लोगों के बीच में है उसको वापस ले। सर मोदी जी के जो सरकार है वो ये कहती है कि किसान बिल को लेकर जो आंदोलन हो रहे हैं, किसानों को जो है विपक्षियों ने खासतौर से कांग्रेस ने बलगरा दिया है, भ्रमित कर दिया है, इसमें कितना सच्चाई है? ये तो सरासर गलत है सही में, क्योंकि किसान नेताओं ने जो आंदोलन, किसानों ने जो आंदोलन छेड़ी है उनका जो यूनियन है उन्होंने शुरू किया, बल्कि ऐसे भी सुनने को मिला कि कोई नेताओं को, जैसे शाहीन बाग में हुआ था, कोई नेता वो घुसने नहीं दे रहे थे, महिलाओं ने शुरू किया, उन्होंने ही चलाया, कितना भी आप लांछन लगाए लेकिन कोई नेता ने उसको शुरू नहीं किया था। शाहीन बाग का आंदोलन और किसान आंदोलन में एक नया रूप देखने को मिला, नया दौर देखने को मिला कि लोग अपने से उसको विरोध कर रहे और नेता उनके पीछे हैं, पीछे से कर रहे लेकिन नेता उसको कभी चलाया नहीं। किसान आंदोलन में वही देखने को मिला,
मिला, और ओपोजिशन जो विरोधी दल है वो तो सत्ताधारी दल को विरोध करेंगे ही, और जो उनको विरोध करेगा वो समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने उसकाया, उन्होंने उनको बरगलाया और आंदोलन कराया, वो गलत है, क्योंकि वो तथ्य साफ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार निजीकरण के नाम पे बड़े बड़े जो है सार्वजनिक क्षेत्र जो है उपक्रम बेच रही है औने पौने में, न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से अपने हिसाब से चला रही है, ईडी का अपने हिसाब से दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स का भी, एनआईए का भी, तो सारी एजेंसी दुरुपयोग करके वो विपक्ष को किसी तरह से उठने नहीं दे रहे हैं, इससे कैसे निपटा जाना चाहिए? ये जो सत्ताधारी पार्टी जो बड़े सेंट्रल एजेंसी को सीबीआई को या ईडी का तो इतना नहीं, सीबीआई को और बाकी आईबी वगैरह को पहले भी इस्तेमाल किया, लेकिन इस दौर पे अभी जो मौजूदा स्थिति में जिस तरह का इस्तेमाल हर चीज को किया जा रहा है कि इसको विरोधी मुक्त भारत बनाने का, ये राजनीतिक चेतना नहीं है और ये नहीं होना चाहिए और ये गलत है और ये भी बदलेगा, लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं है। क्यों देखिए, आप जैसे आपने कोर्ट का मिसाल दिया, लेकिन कोर्ट में धर्मेंद्र राणा जैसे भी वो जज हैं जिन्होंने कह दिया कि हम राजनीतिक दल का सरकार का मनोरंजन के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हम अपना न्याय देने के लिए बैठे हैं, और उन्होंने किसानों को मुक्त कर दिया, जेल से निकाल दिया। तो ऐसे लोग भी हैं, आपको याद होगा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिन्हा जज थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को, उनको इंदिरा गांधी का चुनाव जो था उसको खारिज कर दिया। तो ऐसे लोग हैं हमारे देश में, और ऐसे लोग आए, समुदाय भी है जिसका विरोध करेंगे। अब अभी एक ये हुआ 2019 के बाद ऐसी महामारी भी आ गया, उससे भी लोग थोड़ा डर गए अपना जान बचाने के लिए, जैसे स्थिति सामान्य हो जाए देखिए कैसे आंदोलन किसे विरोध होता है। ओपोजिशन को मैं आपको सिराज साहब आपका तसली के लिए या जो भी लोग ऐसे सोच रहे हैं हमारा तसली के लिए मैं कह दूं कि विरोधी दल जब कमजोर पड़ जाता है लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, और लोगों का मुकाबला कोई भी पार्टी नहीं कर सकता, जो लोगों का जो सैलाब आएगा विरोध का, ना उसमें मोदी ना अमित शाह कोई भी खड़ा हो पाएंगे, ये मेरा पूरा मानना है। अब जहाँ लोग विरोध करने लगे, विशेष करके किसान, दुनिया का इतिहास देख लीजिए, राजनीतिक इतिहास, किसानों से लड़ के किसी ने नहीं जीता अभी तक, किसानों और मजदूरों से लड़के, विशेष करके किसान जैसे भी उसको अन्नदाता माना जाता है, और किसान के साथ लोगों का जज्बाती लगा हुआ है और व्यवहारिक लगा हुआ है। जिस तरह से सीएए और किसान आंदोलन में मुस्लिम समुदाय और सिख समुदाय आपस में एकजुट हुए, और इन दोनों के ऊपर पाकिस्तानी और खालिस्तानी होने के आरोप लगते रहे हैं, क्या निकट भविष्य में जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात करती है, वैसी स्थिति में क्या एक और बंटवारा हो सकता है? असंभव नहीं है, असंभव है, क्योंकि जो हिंदुत्व की आप जो बात कर रहे हैं, तो हिंदुत्व और हिंदुवाद, ठीक है ना, हिंदुत्व जो है बीजेपी का स्लोगन है और बीजेपी का प्रोजेक्ट है, हिंदुवाद भारत का संस्कृति है, और हिंदू धर्म ऐसा है कि खुद आपस में ही अंदर से ही वो बटा हुआ है, तो एक नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म का ये मानना है कि जो कैसे भी आप पूजा करो, हमारे पास ये है, भगवान ही कहते हैं हिंदू धर्म में कि कैसे पूजा करो, पूजा मेरे पास ही आएगा, तो उस हिसाब से हिंदू धर्म में 33,000 गॉड भगवान और गॉडेस इसको माना जाता है, तो वो खुद बटा हुआ है। अब एक चीज़ देख लीजिए, 2014 में मोदी जी को 30% वोट मिला, और 2019 में वो 4% बढ़ा, 34% है, 34% हिंदू को या 80% मान लीजिए, सारा हिंदू तो वोट नहीं दिए, तो कैसे कह सकते कि सारा हिंदू बीजेपी के साथ है? अब लोगों को दिखने लगा है अच्छे दिन आएंगे, स्विट्जरलैंड से पैसा आपको आएगा, 15 लाख रुपये सबको मिल जाएगा, और उसके बाद सबके साथ सबके विकास, ये लोगों ने सोचा कि शायद परिवर्तन होगा, सब लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन अब लोगों को दिखने लगा है और लोगों का भ्रम टूटने लगा है। अब अभी जो उनका जो दबदबाव चल रहा है, वो जैसे आपने कहा एजेंसियों को लेके किसी को डरा के धमका के उस तरह का चल रहा है,
लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हमारे नेता विपक्षी इतने कमजोर हैं कि एजेंसियों के दबाव में आके अपनी नैतिक राजनीति छोड़ देते हैं। देखो, एक व्यवहारिक जीवन में जब आदमी सिस्टम के साथ लड़ता है, जेल हो जाता है। आप फ्री होकर लोगों के साथ मिलोगे तभी तो लोगों को आप मना सकते हो और लोगों को इकट्ठे कर सकते हो। खुद ही किसी को जबरदस्ती पुलिस उठा के जेल में डाल दे तो आदमी क्या करेगा। दूसरी बात, एक लोग जिससे हमने शुरू किया था, लोग एक नयापन देखना चाह रहे हैं। और बात यह कि कांग्रेस पार्टी 1885 में बना था, 135-136 साल कांग्रेस पार्टी को हो गया। इसमें नूतनता नयापन को देखने को नहीं मिल रहा है। मोदी जी गलत कहें सही कहें, एक चीज आप मानिएगा, नया स्लोगन देते हैं। आप स्लोगन से बेशक आप सहमत ना हो, नई बात करते हैं, ठीक है जी, तो उससे लोगों को लगता है भाई ये तो पहली चीज है। तो ऐसे एक पार्टी बनना चाहिए, ऐसे एक गुट बनना चाहिए जो बीजेपी को कटते हुए, बीजेपी का नैरेटिव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उनका संवाद को कटते हुए एक नई संवाद और एक नया विकल्प, नया स्वरूप को सामने रखे, तब लोग मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी मानी जाती रही है शुरू से। उसने ऐसा क्या जादू किया कि पूरे देश में 3-4% ब्राह्मण है, SC ST OBC उनके साथ हो लिए, कांग्रेस को भी छोड़ दिया और दूसरी पार्टियों को भी छोड़ दिया, और वो 303 सीटें जो है जीत गए 19 में। ऐसा कौन सा जादू किया? उसने जादू बताते हैं आपको, जादू किया उन्होंने, वो जादू के चढ़ी जो है मैं आपको बताता हूँ। खैर, ब्राह्मण तो थे बीजेपी में, लेकिन आप ये तो सुनने को मिलता है कि ज्यादा राजपूत लोग बीजेपी के साथ, आदित्य जोगी हैं, इधर जो भी है, ब्राह्मण धीरे धीरे हट रहे हैं। खैर, आपका बात सही हो सकते हैं। जादू ये किया उन्होंने कि जो दलित आप बता रहे हैं और ओबीसी हैं, ओबीसी 50-52% है और दलित आपको 15% है। दलितों में भी एक दलित समाज तो है नहीं, उसमें बहुत सारे दलित समाज है और ओबीसी में बहुत सारी जातियाँ हैं। इन्होंने किया कि एक जाति को दूसरे से लड़ा दिया। जैसे आप उत्तर प्रदेश में मायावती जी के साथ जाटों छोड़ के बाकी दलित हटने लगे, और बिहार में एक महादलित करके एक नाम दिया गया। तो उन्होंने अब बंगाल में भी वही हो रहा है, जो दलित वर्गों में भी सबसे पीछे जो थे उनको उन्होंने पकड़ा। ओबीसी में अब देखिए, सैनिक को जाटों के साथ लड़ा दिया ये हरियाणा में, तो अब ओबीसी में भी जो यादव यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ हैं और थे अभी भी हैं, तो यादव को छोड़ के बाकी उन्होंने ये सैनी खुशवा इन लोगों को पकड़ा। सर, लोकतंत्र के लिए जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण के अनुरूप राजनीति करना या रणनीति बनाना या प्रत्याशी उतारना या गठबंधन बनाना सही है? नैतिक रूप से सुलझाना और संवैधानिक रूप में भी सही नहीं है। संविधान उसको संविधान ने उसको खारिज किया, जाति और धर्म का राजनीति को, ये असंवैधानिक माना जाता है। लेकिन व्यवहारिक, मैं दो चीज़ें साथ साथ कह रहा हूँ, व्यवहारिक में जो चुनावी जो लोगों को मोबिलाइजेशन करते हैं, ये इकट्ठे करते हैं, तो उसमें जाति का प्रयोग हो रहा है। इसी पे सवाल, देश के लिए व्यवहारिकता ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संवैधानिकता? दोनों व्यवहारिकता और संवैधानिकता में समन्वय रखना चाहिए। संविधान अगर कहता है कि जातिवाद ना करो तो इसको मानना जरूर चाहिए, लेकिन जाति के अंदर अगर मान लो कोई जाति अपने जाति को बढ़ा रहा है, वो अपना जाति समाज का सभा कर रहा है, उसको मैं गलत नहीं मानता हूँ। लेकिन एक जाति दूसरा जाति का शोषण कर रहा है, किसी का पक्षपात कर रहा है, ये गलत है। हमारे एक प्रोफेसर थे, आपको बताता हूँ, हमारे एक प्रोफेसर थे JNU में, उनका नाम था इम्तियाज अहमद साहब। तो वो हमको बताते थे कि भारतीय राजनीति को अच्छा समझाते थे, क्योंकि भारतीय राजनीति को किसी राजनीतिज्ञ के समझना पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर को आसान नहीं, बहुत कम लोग समझते। वो कहते थे, अब सुन के ताजुब होंगे, जातिवाद अच्छा है, धर्मवाद अच्छा है। तो मैं सुन के दिन ताजुब हुआ, विश्व केंद्र में भाषण दे रहे थे, तो मैं वहाँ पे था 22 साल का लड़का, तो मैंने कहा सर, अगर जातिवाद अच्छा है, धर्मवाद पर आपस में जो ये लड़ाई होगा समाज में, उसको कैसे रोकेंगे? जाति में नेता पैदा हो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर किसी अमुक जाति में कोई नेता पैदा होता है और वो उस जाति का उत्थान करने के बजाय स्वयं के उत्थान में ही लग जाता है, उदाहरण के तौर पे
पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय जगजीवन राम, उदाहरण के तौर पे मायावती, उदाहरण के तौर पे डीएमके करुणानिधि, उदाहरण के तौर पे मुलायम सिंह यादव, उदाहरण के तौर पे लालू प्रसाद यादव, उदाहरण के तौर पर बाल ठाकरे के बच्चे, उदाहरण के तौर पर पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ले लीजिए, AIIM, सभी पार्टियां एक खास समुदाय और धर्म और जाति के उत्थान का दावा करती हैं और उनका वोट लेकर और धुर विरोधी सरकार में शामिल होकर मंत्री पद लेकर नोट ऐश्वर्य और अपनी धन संपदा बढ़ाते हैं, इस हिसाब से कैसे सही है जाति और धर्म होना? ये जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, ये देखने को मिलता है ये जो तीसरी दुनिया में, सो-कॉल्ड तीसरी दुनिया, तथा कथित तीसरी दुनिया में ज्यादा और पाश्चात्य देश में उतना देखने को नहीं मिलते। वहाँ जो विवाद है अलग ढंग का है, लेकिन यहाँ पे जाति धर्म और परिवार का आधार तो होता है। ये हो रहा है, जैसे राजनीति में मैं आपका प्रोग्राम में पहले भी कहा हूँ कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते थे राजनीति जो है भ्रष्ट लोगों का, स्काउंडल्स जो उन्हीं लोगों का खेल है, अच्छे लोग उसमें आ नहीं सकते। लेकिन ये भी संपूर्ण सत्य नहीं है। तो बर्नार्ड साहब जिस वक्त दुनिया में थे जिंदा, उस वक्त भी राजनीति होती होगी, तो वो इतने बड़े महान कैसे बन गए? एक ऐसी व्यवस्था जो नैसर्गिक है, जब समाज है तो राजनीति भी होगी, तो उसको नकारात्मक कह देने से अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं होती है। उसको शुद्ध होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए, चुनाव आयोग और संविधान के अनुरूप होना चाहिए। इस पे आप क्या कहें? उसमें मेरा जवाब यह है, एक अंधी और बहरी मशहूर महिला थी जिनका नाम था एलिजाबेथ लिपमैन, वो कहते थे जिसको आप अंकर के हिसाब से, मैं एक स्पेस एक्सपर्ट के हिसाब से जो बोल रहे हैं, हमें भी उसको ध्यान रखना चाहिए। वो कहती थी अंधेरे को कोसने से सिवा एक दिया जलाइए, ठीक है जी। तो काफ़ी लोग अंधेरे को कोसते हैं, है ना, हमें एक दिया जलाने की ज़रूरत है। अपने शुरू किया था गठबंधन की, मेरा सुझाव तो यही है, बहुत सारा पार्टी नए बन रहे हैं और नए पार्टी जिनको नया सोच है, नया रास्ता दिमाग में, नया रास्ता दिखाने का उमंग है, इन लोगों को इकट्ठे होना चाहिए, एक नयापन ला के सिद्धांत के ऊपर, संविधान के ऊपर, नियत को लेके एक नया राजनीति का नई शुरुआत करना चाहिए। और एक मैं मिसाल देता हूँ, हमने कहा था मुझे मेरा जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है उसका मैं आपका दर्शकों को फायदा थोड़ा बहुत पहुँचाना चाहता हूँ। ब्रिटेन में एक पार्टी है जिसको लेबर पार्टी कहते हैं, ब्रिटेन में तीन पार्टी थे, दो पार्टी है, वो एक पार्टी लेबर पार्टी जिसे कांग्रेस पार्टी का हाल है, तो उसने चार बार लगातार चुनाव हार गया। तो वहाँ पर एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि हम एक नया लेबर पार्टी बनाएंगे, न्यू लेबर बनाएंगे, और न्यू लेबर में न्यू राजनीति होगी, नई राजनीति, और लेबर में जो कम्युनिस्ट धारा के लोग थे उनको निकाल दिया, लंबी कहानी है। उन्होंने नया लेबर शुरू किया और तीन बार लगातार ऐतिहासिक जीत दिलाई उनको पार्टी को। आप राजनीतिक सलाहकार हैं, राजनीति को अच्छे से समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर दोनों स्तरों पर, तो क्या निकट भविष्य में कोई एक नई ऊर्जा के साथ, नए पन के साथ, नए विचारों के साथ मोर्चा बनने की संभावना है या बनने जा रहा है? संभावनाएं तो है, जीवन संभावनाओं के नाम है। और मैं देखता हूँ कि भारत में अच्छी चीज भारत में यह है जो शायद दुनिया में कहीं नहीं, भारत के जो नागरिक है कितना भी पढ़ा लिखा हो लेकिन उसमें एक राजनीतिक जुनून और राजनीतिक चेतना, चेतना सही हो या गलत हो लेकिन है, राजनीति को समझता है और राजनीति में रुचि रखता है, यह किसी देश में देखने को नहीं मिलता है। हमारा वोटिंग का प्रतिशत देख लीजिए, हमारा जितना वोटिंग टर्नआउट होता है किसी देश में नहीं होता है, तो ये अच्छी बात है। तो उसी ऊर्जा को, उसी उत्साह को हम मोड़ सकते हैं। आपने पूछा ऐसे कोई नया गठबंधन बनने जा रहे हैं, बहुत सारा पार्टियाँ हैं, मेरे हिसाब से मैं सुनने को मुझे मिलता है कि ऐसे पार्टियाँ इकट्ठे हो रहे हैं और मेरा मानना है कि इकट्ठे होना चाहिए। मैं कहूँगा कांग्रेस से, कम्युनिस्टों से, और ये जो कम्युनलिस्ट जैसे बीजेपी या जो कट्टर मुस्लिम दल और क्रिश्चियन दल है उनसे हटके एक मध्यम मार्ग को लेते हुए, प्रगतिशील मार्ग को लेते हुए एक मोर्चा बने, क्योंकि
गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया था मध्यम मार्ग, सी मध्यम मार्ग लो, लेकिन परिवर्तन के लिए थोड़ा सा किनारे आप हो सकते हो, वो जगह जिसमें सब लोग मिल सकते हैं, आप और हम लोग बैठ के बात कर सकते, चाहे हम आपस में मतभेद हो, लेकिन मध्यम मार्ग को अपनाएं, ये हमारा संस्कृति है। अगर एक नया विचार और नया एजेंडा को लेके एक नया मोर्चा बनता है, मैं सिराज साहब कहूँगा वही मोर्चा बीजेपी को 2000 जो सत्ताधर पार्टी को 2024 में जो बैकफुट 2000 ये में बैकफुट में ला सकता है। बीजेपी का जो काम है दिखाने को ज़्यादा नहीं है, बीजेपी स्लोगन में और मीडिया पे और सोशल मीडिया ये मीडिया पे चल रहा है, लेकिन उनके स्लोगन नयापन है उसमें, इसीलिए वो दिख रहा है। मोदी नए नई चीज लेके आते हैं तो उसमें मायने नहीं मानता हूँ, लेकिन नयापन तो है उसमें, उसको तुरंत काट किया जा सकता है। उन्होंने एक बात कही आत्मनिर्भर भारत, ये नयापन नहीं है, बहुत पुराना आइडियोलॉजी है, लेकिन सबको लगा कि ये नया चीज है आत्मनिर्भर भारत, अब पुराना है और बेकार कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। उनका फॉरेन पॉलिसी बिगड़ा हुआ है, इनको अर्थनीति बिगड़ा हुआ है, सामाजिक नीति तो आप जानते ही, तो इनका कैसे काटने, लोग इतना त्रस्त हैं, लेकिन आपको संवाद लोगों के पास पहुंचना चाहिए ना, वो मैसेज लोगों के पास पहुंचना चाहिए। अब एक स्लोगन दीजिए, मैं आपको मिसाल के तौर से, सबसे खतरा सबसे बड़ा खतरा क्या है आज हमारे देश में, गरीबी बेरोजगारी और असुरक्षा, ये तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा खतरा अब लोकतंत्र को है। तीन संस्थाओं ने कह दिया कि भारत लोकतंत्र को पीछे जा रहा है, इसमें ये अगर सामने लाया जाए कि भारत का जो सो कॉल्ड मिडिल क्लास भी है और लोग जो लोकतंत्र को अपनाना चाहते हैं वो लोग कहीं गरीब हो, तो मालूम नहीं था ये कहाँ नहीं जा रहे हमारे देश को, तो जातिवाद राष्ट्रवाद जो बीजेपी का राष्ट्रवाद सब लोग भूल जाएगा, प्रजातंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र तो इसका मतलब जो नया मोर्चा बने वो प्रजातंत्र की बात करे और खतरे में है और मोदी जैसा आदमी जो है इसको बर्बाद कर रहा है, ये मैसेज जाए निश्चित तौर पे सरकार बिल्कुल बिल्कुल प्रजातंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है, वो सबसे बड़ी चीज, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा पूंजी है, हम गरीब हैं, चाइना से हम कमजोर, हमारा इकोनॉमी कमजोर है, लेकिन चाइना से हम बढ़ते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, हम विविधता में विश्वास करते हैं, हम प्लूरिज्म में विश्वास करते हैं, चाइना एक तानाशाह देश है इसलिए दुनिया हमें मानता है, उसको हमें आगे जो हमारा पूंजी है उसी को हम खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, जो कोई आंदोलन है उसमें देशद्रोह का मुकदमा जारी कर दिया, ये कोई ये कैसे दौर चल रहा है, इसको लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, तो ये उठाना चाहिए। अब ये जो उठेगा कहेंगे देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है, इस प्रकार।